हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है सचिन कुमार। मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने पेल्विक गर्डल के बारे में बात किया था। तो कई लोगों को ये पेल्विक गर्डल समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं आज इस पर डिस्कस करने वाला हूँ कि पेल्विक गर्डल होता क्या है और इसकी फंक्शन क्या है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बर्ड पर डिस्कस करना चाहता हूँ, और उस बर्ड का नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक्चुअली जनरेट कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ईर्ष्या जो होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ ईर्ष्या के बारे में, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं ये फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, गॉड गिफ्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप छोटे थे, आपका कोई सिबलिंग होगा, आपके कोई छोटे भाई या बहन होगा, तो जब आप 4 या 5 साल के एज के थे, तो उसमें अगर आपके पेरेंट्स आपके छोटे भाई या बहन को गोद लेते थे, तो आप ऐसा जिद करते थे कि उसे गोद से उतारो और मुझे गोद मिलो। तो इसे ही ईर्ष्या बोलते हैं। तो ये 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उसको ईर्ष्या के बारे में मालूम नहीं होता है, ईर्ष्या का मीनिंग भी नहीं मालूम होता है। तो 4-5 साल के बच्चे में ये चीज़ आए कहाँ से? तो सिंपली ये गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में सिर्फ ऑर्गेनिक गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं, हमारे बॉडी के कुछ बिहेवियर भी जो ऐसे हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। और फिर ये समय के अनुसार चेंजेज होते रहते हैं, ठीक है। जब हम मैच्योर होते हैं तो धीरे धीरे हमें चेंजेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये खुद देख लो यार, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसमें से लगभग 70% अनसब्सक्राइबर है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए, आप बात करते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। एक्चुअली हमारे बॉडी में 2 गर्डल पाया जाता है, एक अपर गर्डल होता है, एक लोअर गर्डल होता है। जो अपर गर्डल होता है वो अपर लिम्स को जोड़ के रखता है, और जो लोअर गर्डल होता है वो लोअर लिम्स को जोड़ के रखता है, ठीक है। तो हम लोग लोअर गर्डल की बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं लोअर गर्डल का क्या नाम है, पेल्विक गर्डल। तो ये पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है और मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझाने के लिए काफी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके दोनों साइड जो बोन प्रेजेंट होता है उसको कॉक्सियल बोन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड कॉक्सियल बोन होते हैं, और ये कॉक्सियल बोन जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका इसको इलियम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है ये इसको पिबिक बोन बोलते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको ईस्टियम बोलते हैं। और कॉक्सियल बोन बीच से एक बोन से जुड़ा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रम बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी एक बोन पाया जाता है, इसका नाम क्या है, कॉकिक्स। कॉकिक्स बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बोन होता है उसका कॉकिक्स नाम होता है, कॉकिक्स बोन बोलते हैं। और ये कॉकिक्स बोन जो होता है ना, मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ये कॉकिक्स बोन बच्चे में जब बेबी का डिलीवरी होता है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है। कॉकिक्स बोन एक्चुअली होता है कहाँ, पीछे की तरफ, एक पूछ की तरफ। आप देखोगे पीछे की तरफ सबसे, जब ये रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है वहाँ एंड में एक छोटा सा बोन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो वो पूछ की बोन बोला जाता है। और हमारे अंदर ये कॉकिक्स बोन हम लोगों को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी लिंक जो है वो बंदरों से रही है, ठीक है। तो ये जो कॉकिक्स बोन है, जब आप बड़े होने लगते हो तो धीरे धीरे ये अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है। कॉकिक्स के नीचे देखिए एक और बोन पाया जाता है, ये जो बोन होता है वो कार्टिलेजियस बोन होता है, ठीक है। ये जो कार्टिलेजियस बोन है ना, वो लड़कियों में फ्लेक्सिबल होता है, लड़के के कंपैरिजन में। फ्लेक्सिबल क्यों होता है मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे बड़ा साइंटिस्ट इस दुनिया में कौन है, इस दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा साइंटिस्ट ऊपर बैठे हैं, हमारे गॉड है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, कोई भी साइंटिस्ट अगर काम करता है, कोई भी प्रोजेक्ट में काम करता है, तो उनको सालों लग जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। इवन एक बायो में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको करने में 200 साल 300 साल तक लग जाते हैं, 2-3 जनरेशन उसकी निकल जाती है, फिर भी वो प्रोजेक्ट काम नहीं होता, ठीक है, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि आपकी जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है इसको बनाने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। हर एक चीज एक स्पेसिफिक जगह पर रखा हुआ है। आपकी आंख है, आपकी कान है, आपकी नाक है, आपकी ओठ है, जो भी है, एक हर एक चीज स्पेसिफिक जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। और हर एक चीज का फंक्शन बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो आप सोचो कि इसको बनाने में कितना अच्छे तरह से कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। और ये बॉडी को बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया, और इसकी जो ऑर्गन है ना वो भी बहुत ही सोच समझ के रखा गया। आप देखो, जैसे कि आपकी जो ये रिब केज है, ये रिब केज का आपकी बॉडी में क्या फंक्शन है, इस रिब केज का अगर रिब केज नहीं भी रहे तो भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन इसके जो अंदर प्रेजेंट है ना, इसके जो अंदर लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है, वो हार्ट प्रेजेंट है, वो अगर नहीं रहेगा ना तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये जो रिब केज है ना, वो हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। कितना ज्यादा कलिकार किया गया इसमें, ठीक है। अगर आपकी रिब केज में चोट लग जाती है या फिर रिब केज किसी का कारण टूट जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता, आपकी जान नहीं जाएगी, ठीक है। डॉक्टर इसको फिर से दोबारा जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी हार्ट एक बार डैमेज हो गई ना, तो कोई दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा, ठीक है। आप सिंपल से एक एग्जाम्पल देख लो, अभी शेन बॉर्न 3-4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक के कारण। आपको क्या लगता है कि उनके पास पैसे की कमी थी? बिल्कुल भी नहीं, उनके पास इतना पैसा था कि दुनिया के कोई भी डॉक्टर अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन एक बार हार्ट अटैक आई और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये जो रिब केज है ना, हमारे दिल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। गलत ट्रैक पर मत चले जाना, मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा दिल टूट गया है, भाई साहब जिस दिन पक्का दिल टूट जाएगा ना, सच में दिल टूट जाएगा ना, तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। तो और भी जो ऑर्गन है, जैसे कि किडनी है, आपकी किडनी आगे की तरफ नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है। तो जो पीछे का जो बोन है वो आपको इसको प्रोटेक्शन देता है, किडनी को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है।
तो देखिए कि लड़कियों में ये जो कार्टिलेजनस बोन होता है वो लड़के के कंपेरिजन में फ्लेक्सिबल क्यों होता है, क्योंकि देखिए लड़कियां जो होती है ना आगे चलकर चलकर उनको माँ बनना होता है, जिसे बेबी डिलीवरी करना होता है, तो ये जो बेबी डिलीवरी के दौरान ना ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजनस बोन फ्लेक्सिबल होने के कारण बेबी का जो डिलीवरी होता है वो आसानी तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये जो बोन होती है वो आसानी से फ्लेक्सिबल कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे का डिलीवरी आसानी से हो जाता है। और वहीं अगर लड़की में बात करें तो ये जो बोन होता है कार्टिलेजनस बोन वो जस्ट लाइक ए बोन ही होता है, ठीक है। और कार्टिलेज होता क्या है जो नॉनवेज है उनको मालूम होगा, आप देखोगे कि लेग पीस के ऊपर में जो प्रेजेंट होता है ना सादा सादा बोन भी ऐसे सादा होता है, लेकिन जो हार्ड नहीं होता सॉफ्ट होता है थोड़ा बोन के कंपेरिजन में, तो वो कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो ये लड़कियों में फ्लेक्सिबल होता ज़्यादा ताकि बेबी का डिलीवरी आसानी से हो सके, ठीक है। तो आप सोचो यार कि कितना ज़्यादा इमेजिनेशन के साथ हमारी बॉडी का बनाया गया, पूरी बॉडी का ऑर्गन, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। होपफुली आपको पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।